हेलो फ्रेंड्स मेरा माइंड चैनल पर आपका स्वागत है लास्ट वीडियो हमने फिफ्टीन चैप्टर कंप्लीट किया था इस वीडियो में हम सिक्सटीन चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गेम्स वी प्ले चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर को आप देख सकते हैं सबसे पहले आप पिक्चर को देखिए इसमें तीन बच्चे गेम खेल रहे हैं और ये महिला हैं जो इस गेम को देख रही हैं देखते हैं आगे इसमें क्या पढ़ाया जाएगा ऑल द चिल्ड्रेन ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपो इन द लैंड हॉप कॉच यानी कि ठीक है पहलो दुग्गो ठीक है हॉप कॉच का मतलब होता है पहलो दुग्गो ऑल द चिल्ड्रेन वर प्लेंग प्लेइंग मतलब खेल रहे थे स्टेपो स्टेपो के साथ एक स्टेपो होता है पत्थर होता है छोटा सा टुकड़ा होता है उसके साथ खेलते हैं ठीक है थीके? इसे हॉप कॉच बोला गया है यानी कि पहले दुग्गो बोला गया है इन द लैंड लैंड में यानी कि गली में अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता अवंतिका और उसकी बहन नंदिता वो आर प्लेइंग वर ऑल्सो प्लेइंग मतलब वो भी खेल रहे थे बट नंदिता वॉज नॉट ऐबल टू प्ले द गेम इन द राइट पे बट नंदिता क्या है वॉज नॉट ऐबल नहीं थी वॉज नॉट नहीं थी एबल यानी कि समर्थ नहीं थी टू प्ले खेलने में द गेम यानी कि गेम को खेल को इन द राइट पे सही तरीके से अवंतिका अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली मुझे ध्यान से सुनो नंदिता कहती है अंडरस्टैंड द गेम नंदिता से अवंतिका कहती है लिसन टू मी केयरफुली मुझे ध्यान से सुनो नंदिता नंदिता को कह के बोलती है अंडरस्टैंड द गेम गेम को समझो थ्रो द मार्कर मार्कर को फेंको को, इन द फर्स्ट बॉक्स पहले बॉक्स में देन माने तब ऑन वन लेग तब पहला जो ब्लैक है जंप ओवर दिस बॉक्स जंप मतलब जंप कर दो यानी कि जंप मतलब कूदो ओवर माने के ऊपर दिस बॉक्स इस बॉक्स के ऊपर इन द नेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट वन यानी कि पहले पहले में टिप्पू डाला है तो आपको दूसरे बॉक्स में यानी कि सेकंड बॉक्स सेकंड बॉक्स जो दिख रहा है आपको उसमें पैर डालना है जिन बच्चों ने खेल रखा होगा उनको इस बारे में पता होगा अच्छे से कीप इन माइंड कीप इन माइंड मतलब ध्यान द्या, रहे या फिर दिमाग में रखिए कीप इन माइंड का मतलब होता है ध्यान रहे यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ध्यान रहे यू कैन पुट पुट माने रख सकते हो बोथ माने दोनों योर फीट तो दोनों पैर डाउन माने नीचे टुगेदर मतलब एक साथ ओनली माने केवल इन द बॉक्सेस बॉक्सेस में मार्क्ड फोर और फाइव में एंड सेवन और एट में यानी कि आप जो देख रहे हैं फोर और फाइव और सेवन एट बॉक्स में ही अपने पैरों को दोनों दोनों पैरों को रख सकते हैं टेक केयर ध्यान रहे यानी कि ख्याल रहे योर फीट जो तुम्हारे पैर हैं शुड नॉट टच शुड नोट नहीं चाहिए टच यानी छूने नहीं चाहिए द लाइन्स लाइन्स को तुम्हारे पैर बिल्कुल नहीं छूने चाहिए इफ़ ए टच यदि ये टच करते हैं यानी छूते हैं यू आर उट द गेम आप आउट हो जाएंगे गेम से यानी कि खेल से वैन यू रिच द लास्ट बॉक्स जब वैन माने जब यू माने तुम रिच माने पहुँचते हो द लास्ट बॉक्स आखिरी बॉक्स में टर्न अराउंड मुड़ जाना टर्न अराउंड मतलब लास्ट बॉक्स में लास्ट बॉक्स में जब आप पहुंचोगे यानी कि सातवें आठवें बॉक्स तक तो उल्टा मुड़ जाना है आपको टर्न अराउंड यानी कि उल्टा घूम जा, जाना है आपको वैन कमिंग बैग मन माने जब कमिंग बैक वापस आते हुए पिक पिक अप अप द मार्कर मतलब उठा लेना है मार्कर यानी कि वो जो टिप हुआ है उसको आपको उठा लेना है एंड ब्रिंग इट बैक ब्रिंग माने ले आना है बैक इट माने इसे बैक वापस लेके आना है नाउ माने अब थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट नेक्स्ट बॉक्स यानी कि नाउ माने अब थ्रो मैंने फेंकू द मार्कर यानी कि मार्कर को टिप्पू को इन द नेक्स्ट बॉक्स अगले बॉक्स में फेंक दो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से की थ्रोइंग द मार्कर की माने फेंकते रहिए मार्कर को यानी टिप्पू को इन ऑल बॉक्सेस सभी बॉक्सेज में वन बाय वन एक के बाद एक फैक, फेंक फेंकना है यानी कि एंड कंटिन्यू द गेम कंटिन्यू द गेम और गेम को जारी रखो यानी कि आपको पहले एक बॉक्स में ठीक है फ्रेंड्स पहले आपको क्या करना है एक एक पहले बॉक्स में डालना है टिप्पू को फिर सभी बॉक्सेस में घूम के आना है जैसे कि वन बाय वन जैसे कि आपको अभी मैंने पढ़ाया उस, उस तरह के उस तरीके से फिर उसके बाद आप